हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। क्लास नंबर 64 में पहला क्वेश्चन है, शी सेज कोमा व्हाट आर यू। नरेशन है ये, वह पूछती है तुम कौन हो। आंसर हो गया पहला। दूसरे में ये गलती कि इसे सिंपल नहीं बना रहा है। तीसरे में ये गलती कि आर और यू, ये आई होना चाहिए था या फिर इसका एम होना चाहिए था, ये गलती हो गई। यहाँ ये गलती हो गई। तीसरे वाले में, चौथे वाले में ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत है। आप जानते हैं जो नरेशन पढ़े हुए हैं, जो नरेशन पढ़े हुए नहीं हैं जल्दी उनकी क्लास पढ़ाएंगे तब समझ जाना। फिलहाल पहले का आंसर पहला है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ही सेड टू मी व्हाट ए मोबाइल ही पजेस। तो ही एक्सक्लेम्ड मी दैट, जो पढ़ चुके हैं वो जरूर कर लेंगे ये क्वेश्चन, जो पढ़े हुए नहीं उन्हें परेशानी पड़ेगी, वो सीख जाना बाद में। तो ही एक्सक्लेम्ड मी दैट, ही आएगा, पजेसेस का हो जाएगा पजेस्ड, क्योंकि बाहर की घटना पास्ट में, वो प्रेजेंट में तो चेंज नहीं करा हमने, उसे एम रूम दिया। तो ही एक्सक्लेम्ड मी दैट ही पजेस्ड ए नाइस मोबाइल, क्योंकि यहाँ जो हमारा वाट है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा, तो इसके बदले में नाइस आ गया, बढ़िया हो गया सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर तीसरा, वी डू नॉट सेल्डम, जब सेल्डम है तो नॉट नहीं आएगा, नॉट जाएगा तो डू भी खत्म, इसके अंदर चला जाएगा और इसमें अब अंदर डू छिपा हुआ है, अंदर डू दिखता नहीं है। तो वी सेल्डम विजिट अवर पेरेंट्स, हम अपने माता पिता से कभी कभार या ना के बराबर मिलने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कंडीशनल सेंटेंस का है, I would have looked after you, मैं तुम्हारा ख्याल रख चुका होता या मैंने तुम्हारा ख्याल रखा होता। आंसर आएगा पहला, क्योंकि यहाँ चाहिए मुझे हेड थर्ड फॉर्म, जो सिर्फ इसमें बन रही है, हैड आई बीन, ये इफ का भी काम कर रहा है और हेल्पिंग वर्ब का भी। यहाँ वर्ग गलत क्योंकि यहाँ वुड हैव थर्ड फॉर्म है, यहाँ शुड गलत क्योंकि यहाँ वुड हैव थर्ड फॉर्म है, यहाँ वर्ग गलत क्योंकि यहाँ वुड हैव थर्ड फॉर्म है। आंसर हो गया पहला, अगर मैं वहां होता। क्वेश्चन नंबर फाइव, यू कांट बाई ए सिगरेट, तुम अमेरिका में एक सिगरेट नहीं खरीद सकते जब तक तुम्हारी उम्र 18 साल ना हो जाए। जब उम्र का हवाला दिया जाए कि जब तक तुम्हारी उम्र 25 ना हो जाए, जब तक मेरी उम्र 15 नहीं हुई थी, तो इसके लिए आंसर प्रीफर करा करो आप अंटिल, क्योंकि यहाँ समय का पास होना जरूरी है, समय गुजरना है यहाँ पे। ऐसे सेंटेंस जिनमें समय को रिप्रेजेंट किया जाए, जैसे बाहर इंतजार करो, वेट आउटसाइड अनटिल यू आर इनवाइटेड, अनटिल यू आर कॉल्ड, अनटिल यू आर फोन्ड, जब तक तुम्हें फोन ना किया जाए, जब तक तुम्हें बुलाया ना जाए, तो यहाँ भी अनटिल आएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इफ आई वर हिम, काट के ही होगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति अपने आप को किसी दूसरे की जगह रखने को कहता है तो दोनों सब्जेक्टिव केस, ये भी और ये भी, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं उस लड़की की मदद कर देता। ही हैज नेवर बीन इन द ऑफिस ऑन टाइम, वो कभी भी ऑफिस में समय पर नहीं रहा। एंड नॉर आई हैव का करना पड़ेगा आपको, हैव आई, कौन सा टॉपिक है बच्चों, ये केस ऑफ इन्वर्जन, मुझे उम्मीद है आप कर पा रहे होंगे अगर आप रिविजन कर रहे हो तो। क्वेश्चन नंबर आठ, अब ये फ्रेजल वर्ब यही है, बार बार आती रहेंगी, जो नहीं आएंगी वो आगे दूंगा मैं। ब्रेक इन टू होता कुमल लगाना, घर के पिछले हिस्से से घुसना ताकि चोरी कर सकें या किसी को बचा सकें जो वहां फंसा हुआ है, दोनों केस में आएगा ब्रेक इन टू। ब्लो आउट होता बुझाना, किसी मोमबत्ती वगैरह को या आग को बुझाना जो नॉर्मल सी होती हैं। लुक अप टू होता आदर करना, इज्जत देना, ये इसका मतलब है। क्वेश्चन सारे खत्म हो गए, कल के जो क्वेश्चन थे हमारे, उसका पहले वाले का आंसर था शुड, क्यों था, सोनू रन फास्ट कोमा ही मैं रीच, तो मैं है तो पीछे डूडज आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइप का कंडीशनल है, इसमें इफ वाले क्लोज डूडज में और अगले विल शैल मैं कैन यानी कि प्रेजेंट की मॉडल में बनते हैं। जब मैं है तो पीछे आकर के आपके उस सेंटेंस में जो कल दिया था, सोनू ने कहा मुझे डस चाहिए, रन के अंदर डू था, रन के अंदर डू था क्योंकि मैंने कहा प्रेजेंट में मामला है, तो डू और सोनू के साथ डू नहीं आता, डज आता, और डज की जब जरूरत हो, डज ना दिया हो तो शुड आता आंसर, कल वाले का शुड आंसर। दूसरे का आंसर हैदराबाद था। आज के दो क्वेश्चन बोर्ड पे ये रहे, इनका जवाब दें अब आपकी, इसमें क्या होना है।
आज के क्वेश्चन का आंसर कल दूंगा मैं आपको, ठीक। ऐसी ही क्लास चलती रहेगी आपकी, एंजॉय करें आप इसे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दो लोग देख रहे हैं या 100 लोग देख रहे हैं, फर्क पड़ता कि जो देख रहे हैं उन्हें फायदा होगा, यानी वो आपको एग्जाम पेपर जब आप सोल्व करेंगे तब दिख जाएगा। बहुत बच्चों से आगे रहोगे आप। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, शुरू में हमने करा बच्चों यहां ब्लैंक, और फिर यहां लिखा ही और हैड और ए गन कोमा, ही वुड हैव शॉट यू और फुल स्टॉप। ऑप्शन पहला है इफ, ऑप्शन दूसरा है हैड, ऑप्शन तीसरा है वर, ऑप्शन चौथा है शुड। कंडीशनल सेंटेंस बताइए क्या आएगा, कल देंगे हम जवाब इसका आपको। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आज का हमारा, बहुत आसान सा सवाल, बस आपकी नॉलेज चेक करनी है कि आपको ये चीजें आती हैं या नहीं। राज तरंगड़ी किसने लिखी, ऑप्शन पहला कलहड़, ऑप्शन दूसरा बाणभट, ऑप्शन तीसरा कालिदास, ऑप्शन चौथा सोमदेव। कलहड़, कालिदास, सोमदेव, बाणभट, आंसर लगाएं, हम आपको इसका आंसर कल देंगे। शुक्रिया, बाकी बातें कल होंगी। थैंक यू।